भवरही जनपद गोरखपुर के ग्राम पंचायत विशुनपुर मटियारा का एक ऐसा टोला है जहां हर वर्ष बाढ़ आती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, यहां के नागरिकों का कहना है। आप स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गांव पानी से डूबा है, फसलें भी जलमग्न हैं। गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय पानी से लबालब है, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप है और जीवन यापन करने में असुविधाएं हैं। गांव के लोगों के लिए नाव ही सहारा बन रही है। गांव से बाहर आने जाने के लिए लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि गौरा नदी के किनारे स्थित इस भवरही गांव के लोग पानी में ही अपना जीवन व्यतीत करने को विवश रहते हैं। यहां के लोग बताते हैं कि इस वर्ष तो अभी राहत, इससे भी बड़ी तबाही का सामना हम लोगों ने करना पड़ता है। हालांकि इस बार लोगों की उम्मीद थी कि तबाही नहीं बचेगी, फसलें बर्बाद नहीं होंगी, क्योंकि बाढ़ तो अगस्त व सितंबर माह में ही अक्सर आती है। इस वर्ष अगस्त व सितंबर में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं थी। हालांकि अक्टूबर माह में बाढ़ ने इस गांव के लोगों को उम्मीदों पर पानी फेर दिया, फसलें बर्बाद हो गई और पठन पाठन की व्यवस्था ठप हो गई। जीवन यापन करने में परेशानियों के सामना करने का भी समय आ गया। बीबीसी लाइव के लिए मोहम्मद इफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट। क्या समस्या है देख लीजिए, हर साल इसी की तरह पानी भर जाता है। हर साल बाढ़ उड़ा जाता है, हम लोग की खेती जो है नुकसान हो जाता है। और जो है कि इस साल तो रोड पर पानी पूरा नहीं गया है, अगले साल तो पानी चला गया था तो हम लोग बंदे पर आ रहे थे। इस बार भी वही हाल हुआ है, टूटा उठा धान से हम लोग बंदे पर, अब पानी नहीं रुकेगा तो बंदे पर ही जाना पड़ेगा। और जो है कि पूरा समाप्त हो गया है, खेती वेती हुआ था, धान वान देख लीजिए आप, देख सकते हैं कुछ हुआ नहीं है। इस बार वो नेपाल आए थे और प्रधान आए थे, बोले हैं अब आएगा, राशन पता ही मिलेगा, नाम हम लिख कर ले गए हैं, अब देखिए आता है कि नहीं आता है। और कोई सांसद विधायक कोई नहीं आता है इधर। इस बस कितने दिनों से आप लोग इस तरीके का दंश झेल रहे हैं? वही 5-6 दिन हो गया। यही बाढ़ और का समस्या है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है इधर। और सभी खेती बाड़ी सभी नष्ट हो गया, स्कूल सभी बंद है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई सभी कुछ बंद है। कितना दिन से समस्या है? हो गया एक हफ्ते। एक हफ्ते में कोई सरकार से राहत सामग्री नहीं? वो लिख के लेके गए हैं, अभी तो कुछ मिला नहीं है। प्रेजेंट टाइम में मिलने वाला है, उसका भी कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, मतलब कब तक मिलेगा। ग्राम तो आते रहते हैं, उनका तो ग्राम सभा है, तो और जैसे डेली एक दो चक्कर मारते रहते हैं, देखते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और बाकी और कोई इधर नहीं आता, लेखपाल और सेक्रेटरी कर आए थे, वो लोग भी गांव का निरीक्षण करके गए। और बाकी वैसे कोई बड़ा विधायक वगैरह सांसद वगैरह कोई नहीं आता, हमेशा आता है। और ये यहाँ के पूरे गांव को सबकी खेती डूब जाती है, यहाँ आज तक किसी का बीपीएल कार्ड नहीं है। कहने का मतलब है कि पूरे गांव को बीपीएल कार्ड चाहिए कि खेती सबकी डूब जाती है। क्या व्यवस्था है? जो वही जो बाढ़ राहत में मिलता है वही मिलेगा, कम मिलेगा क्या पता, कुछ नहीं पता। बाढ़ पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई है, कई साल से आ रही है। जब बाढ़ आ जाती है, अभी तक न कोई सांसद आए, न विधायक आए, एक प्रधान है, लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं, ये लोग आ रहे हैं, देख कर चले जा रहे हैं। हमें लोग पानी देकर बचाए, सोहनी खाद देकर तैयार किए, अब फूट रहा वो सब गया, सब जितनी लागत रही लगाए वो भी चला गया, मिलेगा क्या? जितना लागत लगाए हैं लोग वो भी नहीं मिलेगा, सब डूब गया, सब डूब गया। बाढ़ से पूरा घिरा हुआ है गाँव, एकदम पूरा चौबू से पानी भरा हुआ है, नदी करीब में है, एकदम नजदीक में नदी है, और पूरा समस्या यही है, पूरा बाढ़ से भरा हुआ है, पानी होके हो गया, एक हफ्ता से ऊपर हो गया। क्या कोई जनप्रतिनिधि आए थे यहाँ पे? आया था लोग, आके देख के लोग जाता है। कौन आए थे? अभी आया था पटवारी, आया था ये सब लोग, आता है लोग तो जैसे सरकार से कुछ राहत सामग्री मिली है? अभी नहीं मिला, लेकिन लिख के गया है, मिलने के लिए लिख के गया है। उम्मीद क्या करते हैं आप? उम्मीद मिलेगा, उम्मीद क्या है, तो हर साल मिलता है, हर साल आता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि तमाम फसलें हैं नष्ट हो गई हैं। हाँ, फसल तो नष्ट हो गई, सब फसल गया। आपका नाम क्या है? रमाकांत। अरे अंदर वहाँ तक पानी है, उधर तो नहीं है। मंदिर निशा ग्राम प्रधान विष्णुपुर मटेरा भौरही टोला में इसमें मौजूद है हम। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पे जैसे गोरा नदी का जलस्तर बढ़ने से भौरही गांव के लिए ज़्यादा खतरा है, मतलब जैसे रास्ते में आने जाने के लिए लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, रोड पर पानी आ रहा है,
पशुओं के लिए चारा के लिए भी दिक्कत हो रही है, सब खेत डूब गया है और फसल बर्बाद हो गया है। और लेखपाल महोदय कल आए थे राशन किट बांटने के लिए, सूची बनाए हैं, और सुरेखी महोदय आए थे वो भी मतलब दवा छिड़काव के लिए देख कर गए मौके पर, जो एक दिन में आश्वासन दिए हैं कि मतलब राशन भी वितरण हो जाएगा, दवा भी छिड़काव कराएंगे। हम भी चाहते हैं कि मतलब जल्द जल्द इन लोगों को मिल जाए, राहत मिल जाए, और जो भी है दवा ववा मतलब जो भी है पशुओं के लिए और आदमियों के लिए दवा ववा भी उपलब्ध कराया जाए स्वास्थ्य विभाग से, इतनी अनुरोध करते हैं आप। सही बात है, हर साल आता है मैरून तो हर साल हो जाता है, तो हमको भी मालूम है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यदि पीपा पुल के लिए, यहाँ पे पीपा के लिए बहुत ऐसे लोग जैसे नेता लोग आए हैं कई बार।